अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर है आज का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मेरे फर्स्ट ईयर में ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करना है? वही मेरी आदत हमेशा की, हमने हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग हम बनाएंगे डिस्कवरी। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इन 1911 में प्लैंक्स गिव क्वांटम थ्योरी। इन विच ही एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया था? इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। सेकेंड पॉइंट हम इसका बनाएंगे प्रिंसिपल। ये इसकी थ्योरी का प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? अब प्रिंसिपल है इसका, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी। इसने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। क्या बताती है कि जो हमारे पास इनर्जी है, उसकी जो हमारे पास ट्रैवलिंग है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, और ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। थर्ड बात, इन एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा, और हर क्वांटा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है अपने अंदर। क्लियर है? ये हमारे पास इस थ्योरी का प्रिंसिपल है कि एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, एंड ईच क्वांटा हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। थर्ड बात इसमें आप बताएंगे, तीसरी बात इसके पोस्टुलेट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ट्रेवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। दूसरा पॉइंट, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनको हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं। चौथा पॉइंट कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, और अब आगे लिख दोगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिस पर सेकेंड। ऐसा ही है ना, डेरिवेशन है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू आती है शॉर्ट में 6.62, 6×10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या कहोगे कि जो वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो लैम्डा के इन्वर्सली रिलेटेड होती है।
इसको आप करो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी को आप कांस्टेंट लेके जाते हो। ये मैं कहती हूँ क्वेश्चन टू है, इसको मैं कहती हूँ क्वेश्चन वन है। वन को टू में इंसर्ट करना है, ए इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और साथ में ए इज इक्वल टू सी म्यू नहीं आएगा एच आएगा, म्यू की जगह तो ये वैल्यू लिख देना एच बाय वन ओवर लैम्डा। आपको पता है वन ओवर लैम्डा जो होता है वो वेव नंबर के इक्वल होता है, वेव नंबर इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ एंड वेव लेंथ आर द लेंथ बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। ये सात सारी डेफिनेशंस भी इसमें आई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। इनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन देखा फ्रीक्वेंसी से, इनर्जी का इनवर्स रिलेशन देखा वेवलेंथ से, इनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन देखा वेवलेंथ से। ये तीन हमें रिजल्ट्स मिले इससे, दीज थ्री आर रिजल्ट्स, ठीक है। ज़रा हम देखते हैं हमने किस तरीके से इस लॉन्ग को देखा है। सबसे पहले हमारे पास 1900 में प्लांक्स ने ये थ्योरी दी थी जिसमें इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को डिस्कस किया था। दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी इन विच इनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट इनर्जी यूनिट्स जिनको हम क्वांटा कहते हैं, और हर क्वांटा एक डेफिनेट इनर्जी रखता है। पॉइंट्स वही डिसकंटीन्यूअस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ इनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा एंड इनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर हम इसमें कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर रहे हैं तो ई इज इक्वल टू एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ की वैल्यू क्या है। इधर डेफिनेशन आती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिस पर यूनिट सेकंड पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इन्वर्सली रिलेटेड है, और इधर इन्वर्सली का साइन ख़त्म करके सी कांस्टेंट आ जाता है। इंसर्ट करेंगे इसकी वैल्यू इधर इसकी जगह पर तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा एच। लैम्डा की जगह पर हम वेव नंबर लिख देंगे, ठीक है ना, वन बाय लैम्डा वेव नंबर, इस पूरे की जगह वेव नंबर, ये आ जाएगा। इससे हमें ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं, वेव नंबर की डेफिनेशन, वेव लेंथ की डेफिनेशन और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। सबकी डेफिनेशन आनी चाहिए और एंड पर रिजल्ट लिख देना इनका। दिस इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बट ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, ये सारी हेडिंग्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।